डायरेक्टर एनआईटी श्रीनगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि जो एनआरएफ की जो रैंकिंग है उसमें लास्ट ईयर एनआईटी की जो रैंकिंग 68 थी, लेकिन इस साल वो डाउन हुई है, व्हाट इज द रीजन? जो एनआरएफ रैंकिंग जो है वो रिलेटिव रैंकिंग होता है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रैंकिंग। इसका मतलब ये होता है कि बाकी लोग से रेफरेंस से हमारा रैंकिंग डिसाइड करता है। एनआईटी श्रीनगर का एनआरएफ रैंकिंग अगर देखेंगे तो बेसिक नंबर्स चेंज हुआ नहीं, जो पिछले साल का नंबर जो है हमारा इस साल का भी वही रहा, मगर लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने की वजह से वो नंबर रिलेटिव नंबर होने से ये नंबर चेंज हुआ, मगर इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड कुछ कम नहीं हुआ, वही स्टैंडर्ड है। एंड एक चीज ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एनआरएफ रैंकिंग को इज टीचर स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। जब फैकल्टी का नंबर कम होते हैं, स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें वो फर्क बहुत दिखता है एनआरएफ रैंकिंग में। और एनआईटी श्रीनगर में फैकल्टी का स्ट्रेंथ बढ़ना है, अभी हम कोशिश कर रहा है मिनिस्ट्री के साथ, अगर वो हो जाएगा तो एनआरएफ रैंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ है, पिछले साल और इस साल स्टैंडर्ड सेम रहा, मगर नंबर एज ए सेड बिकॉज ऑफ रिलेटिव रैंकिंग की वजह से नंबर चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड का कुछ फर्क नहीं। सर जितने हमारे पास रिपोर्ट से मोर देन 5000 स्टूडेंट्स वहां पे एनआईटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्लान है और कैंप्स को एस्टैब्लिश करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एनआईटी में है, इज दिस फिजिबल राइट नाउ? या अभी इसी वक्त वी हैव 5300 स्टूडेंट्स है एनआईटी श्रीनगर में, जगह कम है, मगर हम कोशिश कर रहा है न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए। गर्ल्स हॉस्टल एक नया आ रहा है, बॉयज हॉस्टल भी 1000 कैपेसिटी का हॉस्टल आ रहा है, ये दोनों तैयार हो जाएगा तो वो स्पेस का कमी थोड़ा कम हो जाएगा, मगर एनआईटी श्रीनगर का कैंपस का स्पेस का प्रॉब्लम जरूर है। हम कोशिश कर रहा है कि थोड़ा नया जगह मिले एनआईटी श्रीनगर के लिए, ताकि न्यू फैसिलिटीज वहाँ डेवलप कर सके। ऑनरेबल एलजी साहब के साथ भी बातचीत हुआ है, मिनिस्ट्री ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ भी बात हुआ है, प्रॉमिस किया गया है कि कोशिश करेंगे कुछ नया जगह मिलवाने के लिए, ताकि न्यू फैसिलिटीज कैन बी डेवलप्ड द न्यू कैंपस। मेगा बॉयज हॉस्टल लास्ट 5 years से वहां पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इवन के रिपोर्ट से कि अभी भी वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन और इज देयर एनी डेडलाइन के ये जो हॉस्टल है कब तक तैयार होगा? सिविल वर्क्स में हमेशा थोड़ा डिलेस होता है, आई एम ए सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग में जो मेगा हॉस्टल का आपने कहा है ये 5 साल की बात नहीं, 2 साल का कारण वो G+3 अप्रूव हुआ है, मगर हमें चाहता और एक फ्लोर होने से फायदा होगा एंड वी आर होपफुल दैट 1 साल के अंदर वो तैयार हो जाएगा। करंटली मेजर जो डेवलपमेंटल इश्यूज है क्या लिए गए हैं, और जो NEP को अडॉप्ट किया गया है वहाँ पे NIT में, थोड़ा सा ब्रीफली उसमें बताएं। NIT श्रीनगर एज ए सेड हैज कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर्ड, वो BTech प्रोग्राम जो है वो स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली रिवर्क किया गया है, इसमें नंबर ऑफ क्रेडिट्स का रिक्वायरमेंट भी कम किया गया है, 180 प्लस से अभी 160 हो गया है। ऑल दैट वेरी सिस्टमेटिकली रिस्ट्रक्चर हुआ है, 1 साल 1.5 साल से ऑल प्रोफेसर्स एंड ऑल SGCs एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज आर वर्किंग ऑन दैट, एंड खुशी है 1-2 साल का हार्ड वर्क के हिसाब से अभी पूरा मेच्योर्ड सिस्टम फॉर न्यूली रिस्ट्रक्चर्ड BTech प्रोग्राम का मेच्योर्ड सिस्टम तैयार है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, आगे अगस्त के एंड में स्टूडेंट्स आने वाला है, उसी बैच से पूरी की पूरी NEP रेडी करिकुलम हैज बीन डेवलप्ड बाय NIT श्रीनगर। आई डोंट थिंक मेनी अदर NITs हैव डन दैट, मेटिकुलसली डेवलप्ड NEP रेडी BTech प्रोग्राम इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन मंथ ऑफ अगस्त। डायरेक्टोरेट एम्प्लॉयमेंट J&K इन कोलाबरेशन विद डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ मेगा जॉब फेयर्स करते हैं, हमने देखा कि उसमें NIT का
हमें 2-3 मेगा जॉब फेयर्स देखे, तो एनआईटी उस डिपार्टमेंट के साथ हमने कोलैबोरेट नहीं करते हुए देखा। इन फ्यूचर होगा या अभी तक कुछ कोलैबोरेशन हुई है डायरेक्टरेट एम्प्लॉयमेंट के साथ, काउंसलिंग होती है बच्चों की और जॉब फेयर्स होते हैं उसमें? हम हमेशा स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ ही जाता है, पिछले 63 ईयर से ये चलता रहा। एज आई सेड द स्किल डेवलपमेंट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सो एनआईटी इज फोकसिंग मोर ऑन आउटरीचिंग विथ स्किल डेवलपमेंट टू एनआईटी कश्मीर का यूथ जो है। तो कभी कभी जॉब मेला वगैरह में जाने में शायद नो एनआईटी वर्क्स ऑन एकेडमिक कैलेंडर, समटाइम्स इन एकेडमिक कैलेंडर आर एक्सट्रीमली बिजी विथ एकेडमिक वर्क, उसी समय पर हम दूसरे काम में ज़्यादा जान नहीं दे पाएंगे। ये मतलब नहीं कि हम इसमें नहीं जा रहा है, कभी कभी एग्जामिनेशन का टाइम होता है, पूरा स्टूडेंट्स फैकल्टी इसमें बिजी रहता है। अगर वो प्रोग्राम्स उससे कोइंसाइड हो जाएगा तो शायद कभी कभी पार्टिसिपेशन लगेगा देखने में थोड़ा कम है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। एनआईटी श्रीनगर हमेशा जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से और skill development part. Would you like to any message for the students who are watching us from different parts of the country? Sab bachcho, ye bahut acha mauka hai aap sab ke liye. Hamara zamana pe mauka nahi tha aisa padhai paane mein. Abhi aapka padhai bahut man pasand hoga, aap khushi ka hisab se hoga. Jo seekhna chahta hai aap वो सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि बीटेक में एडमिट हुआ कल ही यही पढ़ना है, वो जमाना गया है। अभी आप अपना मनपसंद का सब्जेक्ट चुन सकता है, मनपसंद का इंस्टीट्यूट चुन सकता है। एनआईटी श्रीनगर में आके 2 साल पढ़ा, आपको दूसरा इंस्टीट्यूट में जाने का मन किया वो भी कर सकता है। ऐसा सुविधा पहले बार हो रहा है हिस्ट्री में, हमको नहीं था, आपका भाई बहन लोगों को भी नहीं था, आपको आया है। सो मेक यूज ऑफ दैट एंड डू नॉट मिस यूज दैट।